بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم. सही मुस्लिम की एक हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है जिसे सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने रिवायत किया है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी का एक मेयार बताया है। कामयाब इंसान कौन है, कामयाब इंसान की पहचान बताई है। दुनिया में कामयाबी के सिलसिले में लोगों के अपने अलग अलग तसव्वुरात हैं। कौन लाइफ में सक्सेस कहलाता है, कामयाब, हर एक का अपना नजरिया है, हर एक की अपनी सोच है। शरीयत क्या सोच दे रही है, कौन कामयाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पे क्या है, दुनिया वाले कोई अच्छा बड़ा ताजिर बन गया, कोई बड़ा कारोबारी हो गया, बिजनेस अच्छा सेटल हो गया, नाम हो गया समाज में, तो कामयाब हो गया मैं। शरीयत क्या कहती है? इस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कामयाब है वो इंसान जिसके अंदर तीन सिफात जमा हो जाए। तीन सिफात, सबसे पहली सिफत क्या कहा? कद अफलह मन असलम, कामयाब हो गया वो इंसान जिसे अल्लाह मुसलमान बना दे और इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे दे। हिदायत और हक के बगैर सारी कामयाबियां झूठी हैं। जब तक जिंदगी में हक की मारिफत हासिल ना हो, हिदायत पे चलने की तौफीक ना हो, सीधे रास्ते को अपनाने की तौफीक ना हो, तो फिर जिसे भी हम समझते हैं कि ये कामयाबी है वो झूठी कामयाबी है। तो इसलिए पहली बुनियाद ये है कामयाबी की कि इंसान सीधे रास्ते पर चले, सच्चे रास्ते पर चले, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चले। ये पहली शर्त और पहला मेयार है कामयाबी का। कद अफलह मन असलम, इसीलिए जिंदगी में मुझे आपको इस्लाम से बड़ी कोई और नेमत नहीं मिली है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं और इससे बड़ी कोई दौलत नहीं वल्लाह, क्योंकि इससे हमारी आखिरत बनेगी जो कि असल जिंदगी है। दुनिया वो कैसे भी गुजर जाएगी, ये 50 साल 60 साल क्या माने रखते हैं, 70 साल 80 साल इंसान कितना जी रहा है। तो आखिरत की जिंदगी जो हमेशा कायम रहने वाली, दायम रहने वाली, बाकी रहने वाली, उसकी कामयाबी का दारो मदार इस्लाम और ईमान पर है। इसलिए प्यारे नबी ने कहा कामयाबी की अव्वलीन शर्त, पहली शर्त मन असलम, कामयाब हो गया वो शख्स जिसे इस्लाम कबूल करने की और इस्लाम पर चलने की तौफीक मिल जाए, पहली बात। दूसरी शर्त वरुज़िका कफाफा, जिंदगी है, अल्लाह ने पेट भी दिया है, पेट की भी फिक्र करना है। रिज्क और रोजी हर इंसान की जिंदगी का एक अहम मसला है। अब रोजी कितनी मिले, इंसान जो है रोजी के सिलसिले में जुस्तजू करता है, मेहनत करता है और ज्यादा से ज्यादा रोजी जमाने की, हासिल करने की कोशिश करता है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि एक जिसे इस्लाम की तौफीक मिल गई और रिज्क कफाफ मिल गया। रिज्क कफाफ किसे बोलते हैं, बराबर सराबर की रोजी, जितनी जरूरत है उतनी रोजी मिल गई। रिज्क कफाफ किसे बोलते हैं, मेरी और आपकी जितनी जरूरत है, हम जितने फैमिली मेंबर्स हैं हम लोग, इतनी रोजी मिल गई कि हमारे फैमिली मेंबर्स में से कोई भूखा नहीं रह रहा है,
अल्हम्दुलिल्लाह सब पेट भर के खा रहे हैं, इसे बोलते हैं रिज़्क़े कफाफ। तो जिसको इस्लाम के बाद रिज़्क़े कफाफ मिल जाए, जरूरत भर रोजी मिल जाए, बराबर सराबर रोजी मिल जाए, बहुत ज्यादा भी नहीं। फिर तीसरी सिफत, वकन्नअहुल्लाहु बिमा आता, रिज़्क़े कफाफ के साथ अल्लाह उसे किनात की दौलत से भी माला माल कर दे। किनात किसे बोलते हैं? किनात बोलते हैं अल्लाह ने हमको जितना दिया है, जिस पोजीशन में रखा है, उस पर उसका शुक्र अदा करना बस करना, आगे नहीं देखना, आगे देखना नहीं। मेहनत करेंगे हम, मेहनत करने के बाद जितनी रोजी मिल गई उसी पे दिल मुतमईन है, बस है हमको, यही हमारा मुकद्दर है। हमने टारगेट किया लखपति बनने का, नहीं हुए, मुकद्दर में लखपति बनना नहीं था, नहीं हुए, समझ रहे हैं? इतनी रोजी मिल रही है, फर्ज करो दिन में तीन बार नहीं, दिन में दो बार हमारे फैमिली मेंबर्स पेट भर के खा सक रहे हैं, और हम कहें अल्लाह बस है, शुक्र है तेरा। ये सबसे बड़ी दौलत है, किनाअत सबसे बड़ी दौलत है, कि लालच ना हो हमारे अंदर, हिर्स ना हो हमारे अंदर, हवस ना हो हमारे अंदर। लोग यानी हकीकत में मोहताज कौन है? मोहताज कौन है? मोहताज वो नहीं जिसके पास कुछ नहीं, मोहताज वो है जिसकी नजर उस माल पे होती है जो दूसरों के हाथ में होता है, वो मोहताज है। इसीलिए हदीसों में कहा गया अलगिना गिना नफ्स, मालदारी किसका नाम है? मालदारी मालो दौलत की कसरत का नाम नहीं है, मालदारी मालो दौलत की कसरत का नाम नहीं, मालदारी दिल की बेनियाजी का नाम है। मेरे सामने एक अमीर बंगले में रहता है, एक मालदार बंगले में रहता है, बड़े ठाट बाट से और शानबान से रहता है, और मैं उसके सामने झोपड़ी में रहता हूं, हाँ जैसे हमारी जबान में बोलते हैं हिट चटनी खाता हूं, मगर कभी मैं उस मालदार की तरफ लालच की निगाहों से, उम्मीद की निगाहों से देखता नहीं हूं। मैं सबसे बड़ा मालदार हूं, जो दूसरों के हाथ में जो दौलत है उसको हवस की नजर से नहीं देखता, और अल्लाह ने उसे जहां जिस पोजीशन में रखा है उस पे बस करता है, यह सबसे बड़ी दौलत है। तो कहा कामयाब हो गया वो इंसान जिसे इस्लाम लाने की तौफीक मिल गई, और जिसे रिज़्क़े कफाफ मिल गया, जरूरत भर रोजी मिल गई, और उस जरूरत भर रोजी पर अल्लाह ने उसे किनात की दौलत से मालामाल कर दिया, उस पर वो मुतमईन है बस, और किसी को नहीं देखता है। इसलिए हदीसों में क्या हुक्म है हमको? हमको हुक्म है हदीसों में कि दुनिया के सिलसिले में हमेशा अपने से कमतर को देखो। तुम अगर 10,000 रुपये कमाते हो, 10,000 रुपये महाना कमाते हो, उस शख्स को देखो जो माहाना 7,000 रुपये कमा रहा है, 5,000 रुपये कमा रहा है, तो क्या होगा मालूम? तो आप 10,000 कमा के भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र है तूने मुझे नवाजा है। दुनिया के सिलसिले में कभी अपने से ऊंचे को नहीं देखना। अपने से ऊंचे को देखेंगे, माहाना 1,00,000 भी कमाए आप और उसको देखे जो 1.5 लाख कमा रहा है, तो जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा और शिकायत ही रहेगी और एहसास महरूम ही रहेगा। 1,00,000 कमा के भी चूंकि आपकी नजर 1.5 लाख कमाने वाले पर है, आपको यूं लगेगा जैसे मैं अभी महरूम हूं, अभी बहुत कुछ कमी है जिंदगी में, किनात नहीं होती, सुकून नहीं होता। तो शरीयत कहती है हमेशा दुनिया के सिलसिले में अपने से जो कमतर रहते हैं ना, अल्लाह ने आपको जिस पोजीशन में भी रखा हो, समाज में आपसे कमतर लोग भी हैं, उनको देखना, उनको देखोगे तो जितनी भी रोजी मिले और जिस हाल में भी हो, हमेशा आप अल्लाह की शुक्रगुजारी करेंगे। ये अगर ना हो तो फिर नाशुक्री हो जाएगी हमारी जानिब से, नाशुक्रे की कलिमात निकल जाएंगे। तो रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार मुझ कहने वाले को और आप सभी